तो नमस्ते सभी को, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिका हब से। तो यार चलो किसी कॉमेडी में मैं इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि इतनी सीरियस टॉपिक पे बात कर करके मतलब लोग भी काफ़ी सीरियसली मेरे से डाउट पूछते हैं इंस्टाग्राम पे। तो यार थोड़े मस्ती के माहौल में आ जाओ और फिर से एक आईडी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि चीज़ को मैं बोर और मोनोलॉग सर नहीं बनाना चाहता। आप लोग बार बार चैनल पर आते हो कुछ इन्फॉर्मेशन पाने, तो बेसिकली मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आप लोगों को चैनल पे सस्टेन करूँ, वरना आप लोग तो दूसरे चैनल पे भाग जाओगे। यार बहुत सारे आईडी रिलेटेड चैनल्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सोच ले किसी इंटरेस्टिंग में मैं स्टार्ट करूँ, कौन से टॉपिक पे बात करूँ बताओ। अच्छा आप लोग जॉब क्यों कर रहे हो सबसे पहली बात? एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते होंगे तो आपको जानने की काफ़ी इच्छा होती होगी कि यार कितना रोकड़ा बढ़ता है एक साल के बाद, दो साल के बाद, तीन साल के बाद, चार साल के बाद। यार बहुत लोग तो 10 साल के बाद तक की अपने मतलब हिसाब किताब बना के बैठ गए होंगे। अरे होता है यार, फ्रेशर में ऐसे ही जोश होता है। मेरे को भी है इनफैक्ट। स्टिल आई कैलकुलेट कि हाँ एक साल के बाद इतना हो जाएगा, दो साल के बाद इतना हो जाएगा। एंड एक्चुअली में क्या है, आप लोग के मन में सवाल होगा जानने के लिए। सो बेसिकली किस पे बात करूँ, किसी कंपनी के रिलेटेड ग्रोथ की बात करूँ या फिर जनरल आईटी टॉपिक के रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि मैं सोच के आया नहीं हूँ, जो भी करूँगा डायरेक्ट ही करता हूँ। तो चलिए, एक रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि एसेंचर ने अपने 80,000 एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दे दिया अचानक से। या दिस इज़ द बिग न्यूज़ इन आईटी राइट नाउ। पर ऐसा क्या हुआ था, तो मैं एसेंचर की ग्रोथ के बारे में बात कर लेता हूँ इस वीडियो में, आगे कॉग्निजेंट ये सब भी कंटिन्यू करूँगा। सो चलिए, बहुत धीमा लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा स्ट्रेच करके स्टार्ट करता हूँ। भागना मत वीडियो से, वीडियो को कंटिन्यू करो और स्टार्ट करते हो। शाम रात के हो रहे हैं 11:35 और आप लोग के लिए एक नई वीडियो जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए, आपके एडवांस करें आईटी रिलेटेड टॉपिक्स, आईटी रिलेटेड आपके मन में कुछ एडवांस डाले। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ एसेंचर की ग्रोथ रेशियो क्या है। एसेंचर में ग्रोथ कितना होता है एक साल बाद, दो साल बाद, कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो सपोज एज अ बीटेक फ्रेशर, अगर आप बीटेक फ्रेशर हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, सो यू विल बी गेटिंग 4.5 LM पर ईयर। ओके आई एम जस्ट मिक्सिंग द थिंग, 4.5 LPA पर एनम, या जस्ट डूइंग द फिक्स सैलरी में से अगर इन हैंड आप देखोगे तो 28,000-29,000 आपको आती होगी। सो बेसिकली आप सोचते होंगे कि अभी क्या आ रहा है, एक साल के बाद कितना मिलेगी, दो साल के बाद कितना मिलेगी। तो बेसिकली मैं बताता हूँ, आईटी में जो ग्रोथ एंड प्रमोशंस होती है ना, ये टोटली फिक्स कुछ भी नहीं होती, ठीक है। आप लोगों डिपेंड करती है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपकी क्लाइंट की कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, और कंपनी आपको कितने पे नेगोशिएट कर पा रही है कि आप कंपनी पे सस्टेन कर रहे हो। ये सारे फैक्टर को डिपेंड करने के बाद एक जो सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है, डेट इज़ ऑल अबाउट मार्केट सिनेरियो क्या है अभी। क्या मार्केट में लोगों की काफ़ी डिमांड है, देर इज़ लॉट्स ऑफ स्विच हैपनिंग इन द मार्केट, और बस, या फिर मार्केट पूरा डाउन बैठा हुआ है, क्या है कहानी, इस पर भी डिपेंड करती है। तो सपोज अभी जैसे आप लोगों ने देखा, एसेंचर ने अराउंड 40,000 ओनली इंडियन एम्प्लॉयज एंड मैक्सिमम आर वोमेन एम्प्लॉयज, उनको प्रमोशन दिया, और प्रमोशन में सब गुड हाइक उन्हें मिला। तो बेसिकली अब जनरल हाइक की बात करें तो 5-10-15-20% मिलता है हाइक लोगों को एज अ फ्रेशर। सपोज अब फ्रेशर अगर आप ज्वाइन किए हो 4.5 में, तो उसी हिसाब से आपको हाइक मिल जाएगा। हाँ, और कुछ क्वेरी ये होंगे कि आप वेरिएबल को हटा के सिर्फ फिक्स पे हाइक मिलता है क्या, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाइक जो आपको मिलेगा टोटल पे मिलेगा, आई थिंक ज्वाइनिंग बोनस को खाली हटा देना साइड, बाकी जो वेरिएबल है, जो फिक्स मंथली है, सारे को मिला के आपको हाइक मिलेगा। और जो भी हाइक मिलेगा मीन्स एक डिसेंट हाइक मिलेगा इन एसेंचर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाइक परसेंटेज भी हो सकते हैं, किसी किसी लोगों के 40% तक जाती है हाइक। इनफैक्ट प्रमोशंस में आपको कुछ भी मिल सकता है, बट हाँ एक साल में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, आफ्टर 2 ईयर यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन एसेंचर।
मे बी वेरी लो हाइक एंड मे बी अ वेरी हाई हाइक एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स एंड मार्केट सिनेरियोज इन द मार्केट। चलिए यार, थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन तो मिले गया होगा इस टॉपिक में। कुछ बात मैं कर लेता हूँ, मतलब जनरल बात, कितना पकाऊँ यार। पता है आप लोगों को, मेरी भी एक ब्लॉगिंग चैनल है, मतलब इस चैनल से पहले ब्लॉगिंग चैनल में करता था, ठीक है। ब्लॉगिंग आप देख सकते हो, अभी मैं लिंक नहीं डालूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे लाइफस्टाइल, या फिर जो मैं सैटरडे संडे बकवास घूमता फिरता हूँ, कहाँ से मैं रहता हूँ, क्या है लाइफ की थोड़ी सी पार्ट उसमें दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं। ब्लॉग वो भी बन पाता है तभी, पर हाँ कोशिश है कि 80% वीकेंड में ब्लॉग बन जाती है, डेट इज़ टू के ब्लॉग्स। और एसेंचर के ब्लॉग बारे में बताया, आधा अधूरा बताया, और आधा अधूरा ही बताना चाहता हूँ क्योंकि अगले वीडियो में कंटिन्यू करना है, और आधा अधूरा में क्या छूट गया मेरे से, इसलिए मैं आधा बताया, क्योंकि कुछ छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोग की क्वेरीज आए, कुछ छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोग की क्वेरीज आए कमेंट्स में, और क्वेरीज आएगी कमेंट्स में तो मैं उसे अच्छे तरह से सॉल्व कर पाऊंगा। तो फॉर व्हाट्स एवर द रीजन लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका भाई बना रहा है वीडियो रात के 11:40 में, तो आपका भी फर्ज बनता है एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट डाल देने। और कमेंट में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, कमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट में पूछ रहा हूँ कि क्या आपको जानना था इस वीडियो में, जो मैं हल्के में खाली 5%, 10%, 35% बता के निकल गया यहाँ से। मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा सीरियस नहीं रखना चाहता था, मीन्स कि थोड़ा कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ लोगों से, कि मतलब यार आप लोग डरो वरो मत, मेरे से बातचीत करो कमेंट में। एंड इनफैक्ट आप इन्फॉर्मेटिका हब नाम की इंस्टाग्राम पेज पे मेरे को डीएम करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो इन ऑल सर्विसेज रिगार्डिंग एसेंचर, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी एंड ऑल, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगी मैं भी कहाँ पे हूँ, बट हाँ वीडियो पे नहीं बोलता हूँ। फॉर व्हाट्स अबाउट द रीजन यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड ग्रुप। ये आपका दोस्त, इतने प्यार से बात किया आपसे यार, तो बस भाषण देने आने बैठा हूँ, आप लोग से दोस्ती और इंटरेक्ट करने बैठा हो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अपने जूनियर्स को भी वीडियो शेयर करो, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा इस वीडियो से। और हाँ, सभी कॉलेज के जूनियर्स फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर से यार दोस्ती करने का मेरे को काफ़ी मन है, क्योंकि अब मेरी नई वेबसाइट आएगी, डैट इज www.informatica-hub.com, जहाँ पे यार वेबिनार, सेमिनार, कॉलेज अपडेट, जॉब अपडेट सब के रिलेटेड मैं बात करूँगा। तो यार प्लान उसी हिसाब से चल रहा है, शेयर कर देना दोस्तों को भी, बताना एक पागल इन्फॉर्मेटिका आपका क्रिएटर करण नाम का है, जो बहुत कुछ बताता है आईटी कंपनीज के बारे में। तो जनरल टॉक कर रहा हूँ, सो फॉर व्हाट्स अबाउट द रीजन लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड ग्रुप। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। और हाँ, जो भी कंटेंट में आप डिमांड कर रहे हो नेक्स्ट इस वीडियो, इस कंटेंट के रिलेटेड कमेंट करो इस वीडियो में, जल्दी ही मतलब 1 वीक के अंदर वो वीडियो बना दूंगा मैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यूज एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस। और अगर सिलेक्शन हो रहा है मेरे वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो पे कमेंट कर देना कि यस इन्फॉर्मेटिका, आई हैव बीन सेलेक्टेड इन दिस कंपनी, होप सो। आपसे मैं सजेशन इन एक्सपीरियंस लेके उससे अपने चैनल के मीडियम से बहुत लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो एक छोटे क्रिएटर तो नहीं बोलूँगा अपने आप को, बड़ा ही क्रिएटर हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को हेल्प हो रहा है, तो यार मैं अपने आप को बड़ा ही गिनूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।